अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। होने वाली माँ का कान्हा जी का पालना झुलाना सौभाग्य की बात होती है। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आरती का समय हो रहा है, बाहर जाकर चौकीदार की तरह खड़ी रहो और आने वाले मेहमानों का स्वागत करके उन्हें अंदर भेजो। दादी। रूही जाओ। ठीक है दादी। जी, आप यहाँ, आपको तो पूजा में होना चाहिए ना। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। वैसे भी पूजा पाठ में मेरा ज्यादा मन नहीं लगता। नाहर, वहाँ क्या कर रहे हो बेटा? यहाँ अग्नि के साथ खड़े रहो, आशीर्वाद लो। हाँ। ना जाने क्यों अग्नि के करीब आकर ऐसा लगता है जैसे कुछ तो गलत है। दिमाग कहता है कि अग्नि से प्यार है, लेकिन दिल में वो एहसास ही नहीं है। घर वाले भी मुझे बच्चे की पूजा में शामिल करवा रहे हैं। कोई तो बात है, बड़ी बात है जो ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं। जी, आप अपने हाथों से पालको माखन का भोग लगाइए, उसके बाद सब भोग ग्रहण करेंगे। जी। अग्नि, ये लो। थोड़ा सा खा लो। ये कान्हा जी माखन क्यों नहीं खा रहे? शायद इसको चॉकलेट खाने की आदत होगी। लगता है कान्हा जी नीचे उतरना चाहते हैं। ठीक है बेटा, इधर आ। अरे ये क्या, खाने से माखन का भोग ही नहीं ग्रहण किया? पर ये जा किधर रहे हैं?
मैं माखन अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कान्हा जी ने बहुत स्वीकार कर लिया। हाथी घोड़ा ताल की जय, हाथी घोड़ा ताल की जय। लगता है कान्हा जी को देखती नहीं, यशोदा मैया चाहिए। लड़की बड़ी ही भाग्यशाली है, कान्हा ने स्वयं इसके हाथ से भोग ग्रहण कर लिया। कान्हा जी का विशेष आशीर्वाद है इस लड़की पे, जहाँ भी ये जाएगी मुसीबत इसके आसपास भी नहीं भटकेगी। अगर कभी मुसीबत आ भी गई तो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी, खुशियों का सूरज जल्द ही चमकेगा। बच्चे से जितना अटेंशन लेना है ले लो रोहित, नहर को तो मैं ही लेकर जाऊंगी। कान्हा ने इस कन्या का भोग ग्रहण किया है, अब यही भोग सारे भोग में मिला के सबको हम प्रसाद बांट देंगे। मैंने ये भोग अपने होने वाले बच्चे के लिए बनाया था, लेकिन कृष्ण जी ने इसे स्वीकार करके मुझे अपना आशीर्वाद दिया। थैंक यू कान्हा। भोग हो गया, मां आरती शुरू करते हैं। नहीं बेटा, कान्हा ने इस कन्या से भोग ग्रहण किया है तो मां आरती की शुरुआत ही कन्या ही करेगी, उसके बाद तुम थाल ले लेना। सोनी जी, प्रभु की लीला अपरंपार है। रूही के हाथों से भोग लेकर उन्होंने देवकी मैया से कहीं बढ़कर यशोदा मैया को स्थान दे दिया है और यह साबित कर दिया है कि जन्म देने वाली मां से बढ़कर कहीं पालने वाली मां होती है। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।